बाबा भैया, अरे तेलवा लगा लियो, जाओ। जब से सुना है कि मनी राम तू जात हो हे भैया, तब से करेज पिरात है, महतारी हुई। ठीक है अम्मा, जाई थे हम जाई थे, और लेकिन तू समय ठीक ठाक से रहो। नहीं बर्दाश्त होते कि भैया हमारे जात है, हमको छोड़े। परदेश में कोई अपन नहीं बैठा है हुआ, जब बनाए के संध्या सवेरे रोटी खवावत है, या कोई अपन नहीं बैठा है जैसे शरीर में दर्द हो लगे, तो कोई अपन नहीं रहता जैसे कह दो कि आज भैया ड्यूटी न जाए पे, आज हमारे गोड़ हाथ पिरात है। कोई हुआ सुनवाइया नहीं है, बड़ी मेहनत से रुपया आवत है। अगर यहाँ रुपया लगावा जाता है या भेजा जाता है, तो वह दुरुपयोग न करो, वह सही से प्रयोग करो। जहाँ जरूरी जरूरत के खर्चा है तहाँ खर्च करो, ना जाए इधर उधर पैसा ना खर्च हो। यहाँ हम कोशिश करी थे, यहाँ हम तुझे सबसे कहा चाहिए थे, ये कोई समझक राजी नहीं हो। वो हमारे भैया रुपया पैसा पठवा था, तो कोनो काम खर्च ना आए गई, जैसे जी भी चटवर ना आई हन, जी भी चटवर ना आई हन। वो हमारे मनी राम रुपया पठवा था, जौन खर्चा लागत है तो उन खर्च करी था, पैसा कहूँ ना जायज नहीं बहाई था। जौन कहा है तो एकदम दिमाग पर रखियो, ठीक है, दवाई ठीक से खावा करो, हमार चिंता ना करो। ओ भैया, संध्या का जौने दून खाए बैठी थे, चाहे सुबेरे चाहे संध्या, तैसे तो हर मुँह दिखाए लागत है, शुद्ध होए लागत है। सोची थे भैया हमारे पता नहीं खाए हुआ तो बिना खाए। अब स्वाद का है, हम कहे हैं स्वाय लगी, सबके लड़के परदेश जाते हैं, कोनो हम ही परदेश नहीं जाते हैं। तमाम भारत देश के तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम गांव के ऐसे लोग हैं जो बाहर जा कर चार पैसा कमाए के घरे भेजत हैं। बड़ी दिक्कत है महतारी, बिना किए कुछ हुए नहीं, और कोनो हम अकेले तो परदेश जात नहीं है। हमारे गाँव के कम से कम कुछ नहीं तो का 60-70 आदमी बाहर नहीं पड़ा है चार पैसा खातिर। ठीक कहा तो पूछ, ठीक कहा तो बिना जाए बिना परदेश गए चार पैसा कहाँ से आई। बहुत तकलीफ उठावे पड़ते बाहर, बहुत तकलीफ उठावे पड़ते। कबो टाइम से भोजन मिलते, कबो टाइम से भोजन नहीं मिलते, ये मेरी स्थिति हो जाती। चाहे जितना भूखान हो और भूख लागी, लेकिन अगर ड्यूटी पर हो, अगर खाना बनाए के लेके या टिफिन में लेके खाना नहीं गया हो, या नज़दीक में कोनो होटल कैंटीन नहीं है, तो महतारी खाए नहीं सकत हो। अपने भूख का रोके इसे और काम करे पड़ते, जी हजूरी करे पड़ते। मालिक कोई का ठीक मिलेगा तो मिलेगा, कोई का मालिक नहीं ठीक मिला तो वो के ताना सुनो, वो के चार ठो बोली सुनो, और बर्दाश्त करके अपन काम करे पड़ते परिवार चलावे के ये लिए। बाहर कोनो में मजा नहीं है महतारी। हाँ भैया हमार, हाँ ऐसे हो तो जस कहा था, ऐसे बीतत हुई तो ऊपर कब्बो खा पावत हो, कब्बो खा ना पावत हो। ओ भैया ऐसे ऐसो ऐसो शाम बीत जाती परदेश में रहे पे यहाँ, कि यहाँ से ट्रेन पर बैठे पे यहाँ जैसे लागत थी ट्रेन काटा थी। यहाँ से जब निकलो और रास्ता भर में घर के ऊ मेरे के याद आवत थी कि मन कहा था अब लौट जाए कि तब लौट जाए। मन कहा था बैग उठा के बहाय दी अपना कूद परी ट्रेन से घरे पहुँच जाई, लेकिन महतारी फिर एक तरफ मन कहा था कि अगर न जावे तो चार पैसा कहाँ से आई, कहाँ से बच्चे पली हैं बढ़ी हैं, और कहाँ से मेहरू खर्चा चली। ये सब सोच के अपने आप का मजबूत करके और इसे ट्रेन में सफ़र करते हुए अपने मंजिल तक पहुँचा था एक परदेशी। परदेशी की हालत हमसे जब से पूछो, जो उन्हें समय पर यहाँ हुआ घर का याद आवा थी, वैसे खाली आंसू के सिवा और कोई साथ नहीं रहा था। महतारी तुहार सबका चेहरा दिखाते और छोट छोट बच्चन का चेहरा दिखाते, वो पूत नहीं बर्दाश्त हुआ था। मुँह देखा करी था द्वार, चार छः महीना बीता था, सोचे लगी थे भैया हमारा आवत हुई है, ट्रेन का आवाज़ सुनी थे जैसे हारन बाजा था, सोची थे वह पसेंजरवा आई गए, वह ट्रेन में आई गए, भैया हमारे यही आवत तो नहीं है। लेकिन वो भैया थोड़ी देर बाद हारन दे के जब वो चली जाती तो फिर मन महसूस कर रही जाए कि गए भैया हमारा भी ना आए। घंटा खान और बीता, फिर मन का समझाए ले थे आए होते तो अब तक आ ही जाते। यह क्या मतलब भैया हमारे यहूँ महीनों में नहीं आए। हाँ भैया, नमक रोटी सरसों के तेल महतारी मार लपेट के हमका खवाई देते नहीं, आज वह मिल जाते तो वह खा ली। तुहरे सुधी है भैया, तुहरे सुधी है, वह सरसों के तेल और नमक लगाए कर रोटी में खवाई देते रहे हो और कटर कटर काट के खाई लेते रहे हो, अब कहाँ रहेगा। अब तो बिना सब्जी के कोई हजम नहीं हुआ था। यह मेर सोच के और इसे आँखी में आँसू लेके इसे काम कीन करी थे, मिला तो खाएन, नहीं मिला तो कोनो बात नहीं। वोकरे बाद में चार पैसा कमाए के एक परदेसी जब घरे भेजा था, वोकरे बावजूद यहाँ पर वो पैसा का दुरुपयोग होता है, या यहाँ पर तब वो कलह बनी रहा थी घर में, एक दूसरे से कोई संतुष्ट नहीं रहा था, तो बहुत दुख होता है महतारी। मिल के रहो, परिवार भर मिल के रहो, हम बाहर से ये ना सुनी कि यहाँ झगड़ा झंझट हुआ है। ओ भैया हम मिलजुल के रह, और मिलजुल कर रही थे तोरे मेहरारू तोरे लड़कियन पर हम ध्यान नाखी थे भैया, जो हमारे लायक रहा था तो उन करी थे, सबके ध्यान नाखी थे, और तोरे मेहरारुओं को काम माँ जो हाथ बटावे लायक रहा था हाथ बटाई थे, पूर हाथ बटाई थे। अब जाए थे हमारा टाइम होता ना ट्रेन छूट जाई। वो हमारा बच्चा ट्रेन में कुछ खाए ना लल्लू, नींद नींद जाए, और हाँ
टिकट ले लियो बिना टिकट के बैठे हो ना। हाँ टिकट ले लेबे, बिना टिकट के कब्बो हम यात्रा नहीं किए और बिना टिकट के यात्रा करे ना चाहिए। ठीक है मनी राम, अपने दुल्हन से मिल लियो तब जाए हो। ठीक है मिल लेबे, उनहु से मिल लेबे। तू ही एक चिंता बिल्कुल ना करो मनी राम, ही एक चिंता तू बिल्कुल ना करो। ठीक है अम्मा, तो ठीक है जाई थे सब देखे रहे हुआ। ठीक पा लगी। अच्छा हम ऐसे आशीर्वाद दे थे का करे आवत हो। भगवान तू का नीक नीक रखे मने रहो बच्चा, खूब नीक नीक रखे भगवान तू का, खूब झलो फूलो खूब बढ़ाओ। हाँ हमार भैया हे महारानी, हमरे भैया का नीक नीक रखे, नीक नीक जहाँ जात है नौकरी पर तहाँ इनका नीक नीक पहुँचाओ, उनके सद्बुद्धि दियो। जाए तो फिर तो ठीक है जाओ, हम कब रुकबे कि तू न जाओ। और कबो हमार कहा माने हो, हमका तो छोड़ के चल देते हो इसे। तू का पता कि हमारे ऊपर का बीती का हुई। तू रोए के खाली आंसू बहा के हमका कमजोर करा चाहती बस। अरे हम कही थे जल्दी लौटेबे, काहे पतरा परेशान। बस खाली आवत हो तो भीज सिर के छुट्टी लेके आवत हो, और अचानक प्लान बनाए लियो कि हम जाई थे। तू यहाँ नहीं सोचो कि हमारे ऊपर का बीती। ठीक है पहुँचब तो फोन कह देवे। ठीक है अब फोन पर बात होन करी और मोबाइल चार्ज रखा करो। तू का पता तू चले जाते तो हमारे ऊपर का बीते थे। हाँ एक तो तुहार लड़के अतरा बहाना है कि जल्दी उनका समझाओ कि भैया रे यहाँ ना जाओ घूमे, हुआ ना जाओ घूमे, स्कूल चले जाओ तो कोई कुछ सुनने वाले नहीं रहते हैं। हाँ और डरोनू डरवाई थे कि अभी तुम्हारे पापा आ जाए हैं, तो ये सब कहा था पापा अभी कहाँ आ जाए हैं, पापा तो 6 महीने से पहले ना आई हैं। सबका पता है कि तू चले जाते तो घर की तरफ नहीं देखा था। तू कह रोमत हूँ यार, हम पहुँच के तू का फोन कर बै और अपने आप का संभालो, बच्चन का संभालो। तोरू पर एक जिम्मेदारी छोड़ के जाई थे, जब भी हम यहाँ निकली थे 4-6 महीना बाहर रह के आई थे, 15-20 दिन के लिए छुट्टी पर आई थे, तो तू तोरे सबके बीच में हम रह के तोरे सबके साथ समय बिताई थे, जाए लगी थे तो समझाई जाई थे कि जाई थे तो यहाँ ठीक ठाक से रहो, एक दूसरे से लड़ो ना, प्रेम से रहो। बड़ी जिम्मेदारी है तोरू पर, क्योंकि अगर पति परदेश चला जाता है तो उससे आधा ज़्यादा उससे ज़्यादा जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आ जाती है। तू हमको छोड़ के गए हुई हो, हमसे जो समझाए गए हुई हो तो हम किए न हुई। अगर तू हमसे कहे हुई हो कि घर के कुल जिम्मेदारी तोरे ऊपर तो का समझो, तो हम नहीं समझे थे तो कोई दूसरा नहीं समझता, तब कसके कह दी हो। और आपन धर्म निभाओ, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी का समझे का प्रयास करो, अम्मा से तनी तनी बात पर झगड़ा न करो, मिलजुल के रहो। ए भैया ए ठलिया वाले भैया रुको यार, हमू चली थे। हम तो ये समझे थे कि तू नहीं हो तो अपन जिम्मेदारी हमका जो समझे का होगा, हम समझे थे अपन जिम्मेदारी निभाई थे, अम्मा के ध्यान ना किए थे, अपन ध्यान ना किए थे, तोरे बच्चन के ध्यान नहीं रखे थे, तब के क्या ध्यान रखे थे बताओ। कब वो असबा है कि हम कोई ध्यान ना रखे। अब हम चली थे बहुत देर हो जी, और रो ना हम कही थे कि हम पहुँचबे तो फोन करवाए, अपने आप का संभालो, हमका कमजोर ना बनाओ, क्योंकि पत्नी के आंसू पति का कमजोर बना देती और कुछ नहीं करते। 2-4 दिन और रुक जाते हो तब जाते हो। रोहित नहीं हो तू रोआवत हो तब रोहित है, और मारे जलन के नहीं रोहित है, मारे मुँह के रोहित है। तो ऐसे चले जाइयो, हमका कुछ अच्छा ना लगी, कई दिन हम ऐसे रह बैठ हमका कुछ नीक ना लगी। हाँ तो खुश रहो हंसे के प्रयास करो, हम कहूँ जिंदगी भर के लिए नहीं जाई थे, जल्दी से लौट आइए। ठीक है पहुँच जाओ तो हमका फोन जरूर कह दियो, हमारे जो तोरण में लाग रही। हे महारानी हे देवी पाटन मैया हे बाराही देवी, हमारे इनका तो ठीक ठीक रखे, हमारे सिंदूर सलामत रहा है, सभी ठीक ठीक बना रहा है हे महारानी।